दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नाला कितना बुरी तरीके से पूरा चुका है, और यहाँ पर आपको यह पानी की आवाज़ सुना रही होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आकाश पटारिया ब्लॉग्स पर। दोस्तों बहुत दिन से मेरे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। उसका रीज़न यह है कि आप मेरे पीछे यह देख सकते हैं, हमारे यहाँ का नाला जो है 10-12 दिन से पूर चल रहा है। इसी वजह से मेरा कहीं बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से मेरे YouTube चैनल पर मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। यह देखिए भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गाँव में जाने का मेन रास्ता यही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर पूरे, अभी तो वैसे कम हो गया है तो मैं इस पार आ चुका हूँ, लेकिन दोस्तों यह लगभग 6-7 दिन से इतना ज़्यादा पूर था कि उस पार से इस पार आना नामुमकिन था। क्या कर सकते हैं भाई, अब वो तो कुदरत है, कुदरत का करिश्मा है जो कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और हमारे यहाँ पास ही में टावर डैम है, उसके गेट भी जो हैं पूरे खुल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे यहाँ का यह नाला दिखाता हूँ, और हमारे यहाँ पर मुझे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं वह सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ तक हमारे नाले का पानी आ जाता है। यहाँ पर आप पीछे यह देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक ये मैं जो छत्तीस से आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ तक हमारे यहाँ नाले का पानी आ जाता है, तो इस पर आना नामुमकिन है, और हमको आने में बहुत परेशानियाँ होती है। मैं अभी बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप मौसम देख सकते हैं मेरे चेहरे पर, यह है बारिश का पानी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको नाला क्रॉस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर यह नाला आपको दिख रहा है, वो आंटी यहाँ से जा रही हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे यहाँ से चलता हूँ, और आपको हमारे यहाँ का यह नाला दिखाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नाले के पास पहुँचकर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, हम नाले के पास आ चुके हैं, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि अभी नाले में कितना पानी है, और यहाँ से आने जाने में हमको कितनी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं जिस जगह पर चल रहा हूँ वहाँ पर वैसे तो पानी होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में उस जगह पर पानी नहीं है। तो चलिए मैं आपको नाले के अंदर लेके चलता हूँ, यही हमारे गांव का मेन रोड है। दोस्तों फाइनली मैं नाले में आ चुका हूँ, यहाँ पर आप मेरे पैर देख सकते हैं, मैं अभी नाले में चल रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए भाई साहब कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर, आप यह देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने जाने में इतनी परेशानियाँ होती है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अभी तो वैसे कम पानी है, अभी तो आना जाना यहाँ से हो रहा है, लेकिन आप यह देख सकते हैं यह बागुड़ की हालत देख सकते हैं। यहाँ से आधी जो बागुड़ है वह बह चुकी है, यहाँ पर तार फेंसिंग थी दोस्तों, वह तार फेंसिंग भी यहाँ पर नहीं बची है। और यह देखिए भाई, यहाँ पर एक गड्ढा है, मैं अभी गड्ढे में भरा चुका हूँ। यहाँ का नज़ारा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर गांव में जो हमको परेशानियाँ होती है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकता, समझदार लोग हैं वह तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आज आपको हमारे यहाँ मुझे जो परेशानियाँ हो रही हैं वह मैं आपको बता दूं, और मेरे चैनल पर मेरे वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग सब समझ गए होंगे। लेकिन बहुत जल्द दोस्तों जब यह बारिश बंद हो जाएगी तो मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह पर जाऊँगा और आप लोगों को वीडियोज़ बनाकर दिखाऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। भाई साहब आप मुझे ही देख सकते हैं मैं कितने पानी में से निकल के जा रहा हूँ। हमारे गांव में दोस्तों यही परेशानी होती है, हमेशा बारिश का पानी हमेशा आता रहता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी वाले कितनी बुरी तरीके से आप देख सकते हैं परेशान होते हुए, और परेशान होना ही पड़ता है दोस्तों क्योंकि गाँव वालों को काम हमेशा रहता है, और हमारे यहाँ जो पास में शहर है
यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ये देख सकते हैं गाड़ी वाले कैसे जा रहे हैं उस पार, और जो कि इनको कुछ अर्जेंट काम आ गया हो, जैसे किसी को हॉस्पिटल जाना हो तो दोस्तों वो कैसे जाएगा। आप ही देखो यार, आप यहाँ पर यह पानी देख सकते हैं। अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है तो उसको कितनी परेशानी होती है। और हमारे यहाँ का जो पंचायत है, हमारे यहाँ की जो सरकार है, जो ग्राम पंचायत सरपंच है, वो तो दोस्तों कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक पुल टाइप का बनना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग देखो यार, पुलिया तो यहाँ पर डली है, वो देख सकते हैं आप, यहाँ आगे पुलिया डली है, लेकिन यहाँ का जो रोड है दोस्तों यह बहुत ख़राब हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत परेशानी आती है। एक नाला यहाँ से आता है और इधर आगे चल के एक नाला यहाँ से आता है, यहाँ पर दो नालों का संगम है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 15 फीट ऊँचे पिलर वाली एक पुलिया या पुल बन जाए, तो उससे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे गाँव के जो क्षेत्रवासी हैं लोग हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी। और आप यह देख सकते हैं, मैं तो दोस्तों बहुत पानी में से निकल के जा रहा हूँ। दोस्तों फाइनली मैं नाले के इस पार आ चुका हूँ। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मैं अभी उस पार था और उस पार से इस पार आ चुका हूँ, और यहाँ पर यह नाला भी ख़त्म हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।